दोस्तों सलाम आदाब नमस्कार। देखिए मैं आपके लिए दुबई में हूँ और दुबई से अब कतर की तैयारी है, लेकिन दुबई में बहुत भयंकर वाला वांट लेकर आया हूँ भाई साहब। नंबर वन कंपनी का, इतनी बेहतरीन कंपनी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी इसमें आदमी काम भी किए हुए हैं, तो देर करते थोड़ा भी नहीं देर करेंगे। जो साथी बात करना चाहते हैं वो वीडियो को शेयर करें और आपके ट्रेड का ला दिए हैं वांट। देखिए मैं साफ साफ बता दूं भाई साहब, जो पहले ऑफिस पे आएगा उसी का इंटरव्यू होगा, क्लाइंट इंटरव्यू है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो ऑफिस में सबमिट बायोडाटा वगैरह किया रहेगा उसी का क्लाइंट के पास हम लोग भेजेंगे, अगला लिस्ट देगा, फिर वो आएगा इंडिया, ठीक है, और उन्हीं लोगों को बुला के इंटरव्यू करा दिया जाएगा। चौकन्ना रहिएगा, बाद में नहीं हो पाएगा। ये देखिए जो है दुबई का जो रिक्वायरमेंट है, और ये देखिए दुबई का जो रिक्वायरमेंट है भाई साहब हमारे पास, यह जो है मेसन चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मेसन टाइल्स मेसन चाहिए 1512 दरहम सैलरी है। मेसन ब्लॉक और प्लास्टर चाहिए 200, इसमें जो है 1320 दरहम सैलरी है। शटरिंग कारपेंटर 200 चाहिए, 1320 दरहम सैलरी है। स्टील फिक्सर चाहिए, 1320 सैलरी है। इसका फोल्डर सिविल चाहिए, इसका फोल्डिंग जो नहीं होता है आप जानते होंगे जो साथी विदेश रहे हैं, ठीक है। और जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जिसकी सैलरी 2287 दरहम सैलरी है। एज 20 से 40 चल जाएगा। पासपोर्ट PCR या SNR है, दोनों का दोनों चल जाएगा। दूसरा देखिए इंटरव्यू है और ये फरवरी में होगा, ध्यान दीजिएगा। डेट मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट जो जाएगा कंपनी में उन्हीं लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। दूसरा जो है इंटरव्यू मैं आपको बता दूं, तब तक एयरपोर्ट का जो है नजारा देखिए, पूरा एयरपोर्ट शेयर कराऊंगा आपको। दूसरा यह इंटरव्यू है, यह इंटरव्यू देखिए क्लाइंट दुबई से जा रहा है और हो सकता है मैं भी इस क्लाइंट के साथ ही आऊं। तो यह जो है बहुत ही जबरदस्त वांट है और इसी जनवरी के लास्ट में ही होगा। सारे ट्रेड हैं, मैं एक एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये देखिए कंपनी का नाम जो है अलमासूद है, किसी दुबई में पूछेंगे बहुत बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। इसमें जो है टोटल 17 ट्रेड के आदमी चाहिए और क्लाइंट इंटरव्यू है। इसमें भी उन्हीं का इंटरव्यू होगा जो पहले हमारे ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट जमा किए रहेंगे, ठीक है। एसी टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। एसी टेक्नीशियन कौन, जो ITI किए हैं और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, विंडो और जो है स्प्रिट जो भी है इंस्टॉलेशन करने का। एल्युमिनियम फेब्रिकेटर, इसकी सैलरी देखिए एसी का जो है टेक्नीशियन का सैलरी जो है वो जो है आपका 1400 से लगा के 1600 रहेगा, जो जैसा काम किया रहेगा उसका वैसा सैलरी रहेगा। एल्युमिनियम फेब्रिकेटर है, ठीक है, सब में 3 से 4 साल एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम फेब्रिकेटर है, 1300 से 1500 रियल सैलरी है। इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इनको इलेक्ट्रीशियन कौन चाहिए, जो DB ड्रेसिंग और सारे चीजें काम किए रहो, ठीक है, नहीं कि घर में बल्ब फ्यूज होगा तार जोड़ जाओ तो इलेक्ट्रीशियन वगैरह, इतना आदमी ना ही हो ही नहीं पाए, ध्यान दिया भैया। हाँ, जिसमें जो है DB ड्रेसिंग वगैरह सारा काम मालूम होना चाहिए, 1300 से 1500 इसमें भी सैलरी है। उसके बाद जो है फाइबर ग्लास टेक्नीशियन, ध्यान दीजिएगा, फाइबर ग्लास टेक्नीशियन का 1200 से 1400। जिप्सन कारपेंटर चाहिए, 1100 से 1300 दरहम सैलरी है। वुड कारपेंटर या जिसको हम लोग फिनिशिंग कारपेंटर कहते हैं, फर्नीचर कारपेंटर भी कहते हैं, वो भी चाहिए, 1200 से 1400 दरहम सैलरी है। प्लम्बर चाहिए, लेकिन प्लम्बर कौन चाहिए, जिसके पास ITI सर्टिफिकेट रहे, ठीक है, ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए और 3-4 साल काम किए होना चाहिए। रिगर चाहिए क्रेन के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्रेन के लिए रिगर चाहिए और जो है 4 से 5 साल उनके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैवी क्रेन और हैवी इक्विपमेंट के साथ जो काम किए हों, ठीक है, और रिगर का सर्टिफिकेट भी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि बस मुठा के चले भैया हम रिगर हैं तो कहेगा नहीं तुम रिगर नहीं हो, तुम तो हीरो समझ, उसका प्रूफ भी चाहिए। पेंटर चाहिए, जो टेक्सचर निकालते हैं वो वाले पेंटर चाहिए, जो टेक्सचर वगैरह निकालते हैं वो पेंटर चाहिए, ठीक है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिप्सन पे और जो भी होता है बेहतरीन, ठीक है, सैंडिंग हो गया, वाटर बेस रोलर वर्क हो गया, ठीक है, टेक्सचर एनिमलिस जो टेक्सचर किए होंगे वो समझ जाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद जो है स्प्रे पेंटर चाहिए, जो लकड़ी पे जो है किए हों, स्प्रे पेंटर चाहिए और जो है ईयरलेस, ध्यान दीजिएगा, देखिए स्प्रे पेंटर चाहिए और यह जो है ईयरलेस स्टील प्रिंटर एंड फर्नीचर स्प्रे पेंटिंग, जो ईयरलेस अगर इसमें उन्हीं का लेगा जो ईयरलेस भी मालूम हो हल्का फुल्का और स्प्रे का भी मालूम है, ध्यान दीजिएगा। स्टील फेब्रिकेटर चाहिए, हॉट रोल्ड स्टील होता है कुछ,
ठीक है, उसके लिए स्टील फेब्रिकेटर चाहिए, और स्टील फेब्रिकेटर में जो है 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सीएनसी मशीन ऑपरेटर चाहिए, देखिए मशीन ऑपरेटर लिखा है लेकिन सीएनसी मशीन ऑपरेटर चाहिए जो कि प्लाज्मा कटिंग मशीन और एलजीएस मशीन चलाए हों, 1700 से 2000 रियाल सैलरी है, स्टील फेब्रिकेटर का 1800 दरहम सैलरी है, और स्प्रे पेंटर का 1300 जो है सैलरी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए SMAW एंड GMAW बिल्डर चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 4 से 5 का एक्सपीरियंस हो, आर्क मिग बिल्डिंग का सर्टिफिकेट आपके पास लाजिम चाहिए चाहिए, 1600 दरहम सैलरी लग रहा है। पेंटिंग चार्जेंट चाहिए, जो चार्जेंट होते हैं पेंटर का, ठीक है, वो चार्जेंट चाहिए, सारा चीज़ें जो है पेपर होना चाहिए उनके पास, ठीक है, 1600 से 2000 रियाल सैलरी है। प्लम्बिंग चार्जेंट चाहिए, ठीक है, और इसमें भी जो है 1600 से 2000 रियाल सैलरी है। वेल्डिंग चार्जेंट चाहिए, इसमें भी 1600 रियाल सैलरी है, और ओपन यार्ड चार्जेंट चाहिए, उसका जो है 2000 रियाल सैलरी है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, 4 से 5 साल सेम फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, एज 42 साल तक चलेगा, ठीक है, और एशियाई सेनार दोनों चल जाएगा, दुबई में आपको काम करना रहेगा, ठीक है, और जो है ये जो भी सैलरी लिखे हैं इसके बाद जो है कंपनी खाना आपको प्रोवाइड करा रही है, 8 घंटे का ही सिर्फ इसमें है, दो साल पे जाएंगे तो आना जाना सारा चीज़ें ये सब कुछ मिलेगा मेरे भाई। और तीसरा रिक्वायरमेंट जो है ये मेरे ऑफिस के लिए है मेरे भाइयों, इसको दबा के थोड़ा शेयर कर दीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टेलीकॉलिंग चाहिए, सैलरी 8000 से 15000, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए सैलरी 15 से 25 हज़ार, और वीडियो एडिटर कम सोशल मीडिया हैंडलर चाहिए जो कि 8000 से लगा के 15000 से रहेगा, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट वाला हुआ काम खत्म, आप लोगों से बात करना मैं शुरू करता हूँ। जो भी साथी देखिए पता जानना चाहते हैं सिर्फ YouTube पे सर्च कर देंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, या मैंने लिंक भी डाल दिया है उस लिंक पे क्लिक कर देंगे आप देख लेंगे, और जो है Facebook आप सिर्फ सर्च करेंगे ना परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस गोरखपुर पूरा आ जाएगा, बस वीडियो प्ले करेंगे चुपचाप बिना पूछे किसी से आ जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग को एयरपोर्ट का शेयर कराता हूँ, और जो साथी शिवनाथ भाई साहब बात कर रहा हूँ मैं आपसे, सुनाथ भाई मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, अब यहाँ से सफर जो है देखिए आप ही लोगों के लिए निकला हूँ, और अच्छा का बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, जो भी साथी हमसे बात करना चाहते हैं एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि हम बात कर सकें आपसे, और नहीं आपने फोन नहीं उठाया, कोई आप साथी है जो बात करना चाहता है तो वीडियो को एक बार शेयर करिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। कोई है साथी? कोई है साथी जो बात करना चाहता है? सारा रिक्वायरमेंट आया है, MD इरशाद साहब है जो बात करना चाहते हैं। कुछ लगाए हैं साहब, आपको फोन लगाए हैं एक्सेप्ट करिए ताकि मैं बात करना आपसे शुरू करूं, और कोई साथी है जो बात करना चाहता है तो वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपसे बात कर सकें। कोई नहीं है? कनेक्शन फेल क्यों हो जा रहा है? विनय भाई मैं आपको भी कॉल करता हूँ, विनय भाई और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? मैं लगाया हूँ, साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि
अरे कॉल भी करिए सर जी, अजय मिश्रा जी कॉल तो कर रहा हूँ, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। देखिए ऊँट कितना जबरदस्त रखा है, ऊँट मुझे लगता है देखिए पीतल का है, पीतल का ऊँट देखने कितना जबरदस्त रखा है। साइज इसका बड़ा है, लगभग जैसा ऊँट होता है उस साइज का है, ठीक है। और जो है क्यों नहीं काल फेल हो जा रहा है मेरे भाइयों, और दुबई में हो क्या? हाँ जावेद अख्तर भाई हम दुबई में हैं, अभी दुबई में है दोस्त, दुबई में है मेरे भाई, अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से निकलना है दोहा कतर, यहाँ पे मैं आ गया था सुबह ही, मैं आ गया था और सुबह कई तरह का वीज़ा निकलता है, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, कई तरह का जो है कई तरह का वीज़ा निकलता है। तो आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो ट्रांजिट मतलब 24 घंटे का 48 घंटे का ऐसा वीज़ा मिलता है। तो मैं सुबह आया था एक कंपनी में, दो कंपनी में, ये दोनों कंपनी का जो वांट है मीटिंग करना था एयरपोर्ट से, जो है डायरेक्ट जो है मैं निकल गया और कंपनी से मीटिंग किया, मीटिंग करके फिर आज शाम को मेरी फ्लाइट है कतर के लिए, तो मैं कतर के लिए जा रहा हूँ। देख रहे हैं कोई साथी अरबी पढ़े हैं तो पढ़े क्या लिखा है, शीशा इतना क्लीन है, शीशा देख रहे हैं इतना क्लीन है कि माने लग रहा है कि आदमी उस पार ही चला जाएगा, लग ही नहीं रहा है शीशा है। यार अरबिया का है फ्लाइट और जो है बहुत बड़ा ही एयरपोर्ट है, बहुत बड़े एयरपोर्ट है, वो जो सामने देख रहे हैं टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 3 है, इधर भी है और हम लोग को जाना है टर्मिनल 3 पे। विनय भाई मैं कॉल लगा रहा हूँ, लग नहीं पा रहा है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ सारे साथियों से बात करूँ लेकिन कॉल लगा रहा हूँ लग नहीं पा रहा है, ठीक है। ये जो रिक्वायरमेंट बताया हूँ मेरे साथियों जो मिस कर देगा, ठीक है, जो मिस कर देगा वो तो मुझे मिस हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत मेहनत करके रिक्वायरमेंट लाया हूँ और बहुत ही बेहतरीन कंपनी का, बहुत ही बेहतरीन, उसमें आईडी मैंने दिया है यार, लगभग लगभग 60-70 आदमी गए हैं उसमें, ठीक है। तो यार मैं किस रास्ते से आया था देखने, मैं किस रास्ते से आया था दिमाग से बात करते करते फिसल गया, लास्ट में चला गया। और जो है कॉल कीजिए सर जी, अजय मिश्रा जी मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी जो है अभी ये फिर हम लोग आ गए इतिहाद एवरेज लोन पब्लिक टेलीफोन गेट नंबर, मैं जो है इधर से इधर से मैं आया था और जो है मैं तो भैया फैसिलिटी मैनेजमेंट को ला रहा है दोस्तों, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से, दोबारा कनेक्ट होके और बात करता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट होकर बात करता हूँ ताकि आप लोगों से बात हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सार सोच बने रहे, मैं तुरंत लाइव आता हूँ।